तो अब मामला यह है कि ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से कॉल हो गई और ये कॉल हो गई 4 तारीख को, इसकी बाकायदा डेट दे दी गई। डॉक्टर कयूम सोमरो साहब जो कि इंतहाई करीबी मुतबिद हैं जरदारी साहब के, वो तशरीफ लाके मुख्तलिफ लोगों को दावतनामे दे रहे हैं। देखना यह है कि कितने लोग उसमें जाते हैं। अच्छा, मान कौन कौन गए? सबसे पहले जी आया नू मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्हें तो आना ही आना है। उसके बाद अच्छा अजीज साहब तक जाएगी दावत, उसके बाद जाएगी असंदियार वली खान साहब। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह कि सारी पार्टियों को बुलाया गया, तहलुल कादरी साहब की पार्टी को भी सबको बुलाया गया, इमरान खान को बुलाया जा रहा है, उनकी जमात को। अगर नहीं बुलाया तो मुस्लिम लीग नवाज को नहीं बुलाया। जरदारी साहब की तरफ से जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया। यानी तासुर यह बन रहा है कि जरदारी साहब गोया असल ऑपोजिशन जमात है, पीपल्स पार्टी असल ऑपोजिशन जमात है। मकसद तो ये होगा ना, इंटेलिजेंट, ये एक इंटेलिजेंट मूव है। अब ये होती है नहीं होती और इससे पहले फैसला आ गया और क्या हो गया वो एक अलग मामला। क्योंकि देखें ना, जरदारी साहब ने भी तो पहले ऐलान किया था ना कि हम एक तहरीक चलाएंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और ये सारा, वो तो नहीं मामला आगे बात बनी। लेकिन अभी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कौन आता है कौन नहीं आता और इसके नतीजे